जी हाँ, पिछले 15 सालों से लगातार आपकी सेवा में रॉयल एसीपी वर्क, बिल्डिंग, ऑफिस, शोरूम एसीपी, सीलिंग एवं घर की सुंदरता के लिए कराएं एसीपी वर्क, वो भी 10 साल की वारंटी के साथ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रोप्राइटर हातिम परदेशी। हमारा पता, रॉयल एसीपी वर्क, इंदौर रोड, पदम नगर थाने के सामने, रिलायंस मॉल के पीछे, मुफद्दल पार्क, खंडवा। मोबाइल नंबर 9009715952 और 9039515268। क्या व्यवस्थाएं देगी, कितने जगह पंडाल बन रहे, क्या गाइडलाइन? ये गणेश उत्सव बहुत ही खंडवा जिले का एक महत्वपूर्ण त्यौहार होता है जो 7 सितंबर से शुरू हो रहा है और 17 को अनंत चतुर्दशी का जुलूस रहेगा जिसमें चल समारोह के रूप में झांकियां निकलती हैं। इसको लेके अभी हम लोग अलग अलग थानों में अलग अलग बैठकें झांकी वालों के साथ, गणेश पंडाल के आयोजकों के साथ, वहाँ पे जो अखाड़े वाले हैं, डीजे वाले जो कई बार आ जाते हैं उनके साथ, और समाज के अलग अलग मोहल्लों में अलग अलग सभी लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं। पूर्व में जो बड़े बड़े गणेश के पंडाल लगते हैं उन सभी लोगों को अभी बुलाया जा रहा है। वहाँ पे उनको दिन में क्या व्यवस्था देखनी है, रात के समय अनिवार्य रूप से आयोजक वहाँ पे कोई ना कोई वहाँ पे रहे, बारिश का समय भी रहता है तो बिजली के कनेक्शन लें, उसमें कहीं किसी तरह का कोई लापरवाही ना हो जिससे कोई घटना हो, इस बारे में भी सभी को अवगत कराया गया है। साथ ही नगर निगम MPEB के अधिकारियों को भी इस बारे में मेरे द्वारा और कलेक्टर खंडवा द्वारा बताया गया है। एक रजिस्टर भी हम लोग वहाँ रखवाएंगे जिससे हमारे अधिकारी रात में जब जाते हैं तो वहाँ पे भी उनको चेक कर सके कि कोई ना कोई पंडाल में अवश्य रहे। साथ ही जो लगातार जो सालों से पंडाल लगते रहे हैं उन्हीं जगहों को हम लोगों ने अनुमति दी है, कोई भी विवादित जगह या ऐसी जगहों पे कोई अनुमति नहीं है। साथ ही जो परंपरागत मार्ग है उस मार्ग की लाइटिंग वहाँ पे कैमरों से निगरानी और उस मार्ग पे अन्य जो व्यवस्था है उसको भी हम लोग सुचारू रूप से करेंगे। बहुत शीघ्र ही हम लोग शांति समिति और अन्य जो इससे जुड़े हुए अलग अलग सामाजिक संगठन हैं, ग्रुप हैं, इन लोगों के साथ भी बैठक करके इसको कार्य योजना देंगे और उम्मीद है कि इस वर्ष पूरा अनंत चतुर्दशी का जो चल समारोह है और 10 दिन का ये जो पूरा गणेश उत्सव का कार्यक्रम है बहुत ही शांति सौहार्दपूर्ण तरीके से लोग मनाएंगे और किसी भी तरह का कोई भी इसमें घटना नहीं होगी। असामाजिक तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है, ऐसे तत्वों के विरुद्ध हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि चल समारोह के दरमियान किसी तरह का कोई भी असामाजिक तत्व वहाँ पे उपस्थित न रहे, उनके विरुद्ध हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे या जिले से बाहर रहें या जिले में।